बहुत अच्छा, ठीक है। ये एक्चुअली वे यही कैट टेस्ट होता है, ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे के ही कैट टेस्ट होते हैं, जिसमें से जो स्ट्रांग है पूरी तरीके से वही टिक पाता है, अदरवाइज लोग बाहर हो जाते हैं जनरली, अरे ठीक। सर, 5 बजे से दूसरा इंटरव्यू था, उनका कॉल आ रहा था, हम उनके सामने कैसे उठाते हैं, जूम कॉल पे सामने थे, इधर कॉल आ रहा तो था, लोग क्या रूम मिस बोलते हो हैं, गया। ये वो सोच रहे थे कि अब इधर का अटेंड करूँ उधर का, तो उसको फिर क्या बोला लास्ट में, फ्लाइट मोड पर डाल दे रहा नहीं फिर सर नेट नहीं चलता ना, मोबाइल से कनेक्ट था। था, पर हम उनको उठा के बोले कि आई एम इन मिडिल ऑफ समथिंग, कैन यू कॉल बैक लेटर, वो काट दिए फोन सामने से, कॉल बैक नहीं किया। बड़ा आया है जॉब लेने और कॉल बैक लेटर का। उसको ऐसे दिमाग में आया होगा ना कि ये तो जॉब लेने आया, ऊपर से बोल रहा है कि जॉब कॉल में लेटर, ठीक है नहीं सर, चलो। आप एक टाइम दे रहे हैं, उस टाइम पे आप कॉल नहीं कर रहे हैं, और फिर आदमी कहीं भी जा सकता है, ये तो बिल्कुल, है। तो उनको अपने टाइम के बाहर से कॉल किया था क्या उन्होंने, हाँ सर, तब ठीक है, ठीक है। और क्या बोलते, लेकिन फिर भी कैसा होता है कि हम नीडी हैं, ठीक है, तो जो ग्रीडी होता है उसको कहीं ना कहीं यस सर, थोड़ा सा वो कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट ओके, ठीक है। और चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें कैट टेस्ट का तो आइडिया मिला कि देखो इस लेवल का, इसीलिए हम आज हमारा कैट टेस्ट भी यही है, ठीक है। हमारा कैट टेस्ट क्या है, चलो सभी लोग आ गए, बता देते हैं, ऋषिका भी आ गई हैं। किस में जाओ सर, किस में हुआ सर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम अभी वेबसाइट बता देगा ग्रुप में। तो देखो अभी आज का जो हमारा कैट टेस्ट है वो यही था, आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्या करना है, 4 कॉलम बनाना है और उसमें बीम्स लगानी है, तो आप वो तो आप लगा ही लोगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर रेनफोर्समेंट डालना है और मेन काम उसके आगे है बीबीएस निकालना है उसका, ठीक है, रेबिट के अंदर लगाना है। रेबिट के अंदर आपको 4 कॉलम्स लगाने हैं स्टील के, आरसीसी के, उनके अंदर रेनफोर्समेंट डालना है और रेनफोर्समेंट डालने के बाद बीम बनानी है, बीम में रेनफोर्समेंट, समझ गए, एक रूम का स्ट्रक्चर बनाना है कुल मिला के, एग्जैक्टली, ठीक है। एक रूम कुछ भी ले सकते हो तुम, 4x4 का ले लो, 4x6 का ले लो, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि आपको बीबीएस निकालना आ रहा है क्या, ठीक है। तो आप 4x4 का ले सकते हो, 4x5 का ले सकते हो, या कोई भी रेक्टेंगल रूम ले सकते हो, गॉट इट। तो उस रूम का क्या करना है, उस रूम में क्या बोलते हैं, केवल कॉर्नर देने 4, और 4 कॉर्नर देने के बाद बीम का एनफोर्समेंट, कॉलम का एनफोर्समेंट दे दिया, और फिर उसके बीबीएस निकाल देना, बस ये हो गया रेबिट स्ट्रक्चर का टेस्ट। एक टेस्ट है रेबिट आर्किटेक्चर का भी, ठीक है, रेबिट आर्किटेक्चर का जो कैट टेस्ट है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये असली बार शेड्यूलिंग से रेबिट आर्किटेक्चर का जो है, ठीक है। अगर आप बिना विदाउट क्या बोलते हैं नेविगेट अगर यूज करते तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, नेविगेट से करेंगे तो कम मार्क्स मिलेगा। रेबिट आर्किटेक्चर में क्या करना है, आपको एक रूम बनाना है बट हॉल टाइप का, तो समझ लो लगभग 8x8 का बना लेना या फिर 8x6 का बना लेना, ठीक है। एक रूम बनाना है बड़ा सा, उस रूम के अंदर 3 से 4 विंडोज फिट करने हैं, मतलब चारों साइड एक एक विंडो फिट करना है और चारों साइड एक एक डोर फिट करना है। क्या करना है, चारों साइड एक एक डोर फिट करना है, चारों साइड एक एक विंडो फिट करना है, और सबसे मेन काम यहाँ पर यह है कि उसका एस्टिमेशन निकालना है विथ नंबर ऑफ डोर एंड नंबर ऑफ विंडोज, ठीक है। तो समझ में आ गया, चारों का कुछ ज्यादा फ्रेम तो है नहीं, एक फ्लोर बनाओ, मतलब फ्लोर बना के 4x6 का या फिर 6x8 का अपने हिसाब से एक एरिया ले लो, हर एक वॉल पे एक डोर एक विंडो, हर डोर विंडो डोर विंडो, और ऊपर से स्लैब डाल दो, तो कुल मिला के एक हॉल बना के उस हॉल की शेड्यूलिंग्स करनी है। तो आज का जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो किसके बेस पे है, रेविट के अंदर बीबीएस की शेड्यूलिंग करना स्ट्रक्चर्स में, और आर्किटेक्चर में मटेरियल का शेड्यूलिंग, मतलब BOQ निकाला, बिल ऑफ क्वांटिटी निकालना, ठीक है। यही आज का हमारा टेस्ट है, और देखो अभिषेक का भी टेस्ट यही था नियर टू, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट के होने के बाद हुआ होता तो शायद इनको और हेल्प मिलती। कोशिश करना कि रेनफोर्समेंट खुद से ड्रॉ करो, जो खुद से न ड्रॉ कर पाए वो नेविगेट का हेल्प ले, गॉट इट। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 8:40 से, 4 मिनट आपके पास है, आराम से रेबिट ओपन कर लो, ठीक है, जिसमें हम लोग 25 मिनट आर्किटेक्चर को देंगे, 25 मिनट स्ट्रक्चर्स को देंगे, मतलब पर्याप्त टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो टाइम के अंदर कर लेगा उसको एक्स्ट्रा बोनस नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, जैसे तुमने मान लो कुछ गलत भी कर लिया बट टाइम के अंदर कर लिया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, समझ गए हो। एक हॉल बनाना है बड़ा सा, उस हॉल में फ्लोर लगा दो, मटेरियल वटेरियल का मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। एक डोर एक विंडो हर साइड चारों साइड दे देना है, तो उसके बाद उसका एस्टिमेशन जब करोगे तो उसमें डोर विंडो भी कैलकुलेट होना चाहिए, प्लस वॉल तो होगा ही,
और सीमेंट सैंड पता चल रहा ही चलना चाहिए। तो वो हो गया आर्किटेक्चर का 25 मिनट का, और 25 मिनट का है स्ट्रक्चर्स का, जिसमें आपको कॉलम्स लगाने हैं चार, बीम्स लगाने हैं चार, रेनफोर्समेंट डाल के उसका बीबीएस निकालना है, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है, एक एक इंडिविजुअल सीट्स पे शेयर कर देना है बस, ठीक है। सीट पे नहीं शेयर कर पाओगे तो स्क्रीनशॉट भी दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन सीट पर शेयर करोगे तो और अच्छा लगेगा, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब तक का आपका शायद एक यूनिक टेस्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ टेकला पे भी होने वाला है, बट अभी टेकला पे नहीं करूँगा आज, क्योंकि एक दिन में ये संभव नहीं है, हमारे कैट टेस्ट का लिमिटेशन है टाइम का। तो टेकला पे भी लगभग सेम ही रहेगा शायद अगले वीक में, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट हो जाइए फटाफट, एक हॉल तो बनाने को सोचना उचना तो है नहीं, खटा खींचो। मेन काम किसका है, एस्टिमेशन में मुझे देखना है, ठीक है। और दूसरा, अगर उसको ड्राइंग शीट पर कैलकुलेट कर लेते हो तो मुझे लगेगा और अच्छा आपने कर लिया। किसी को कुछ दिक्कत आए तो अभी से पूछ सकते हो कि सर ये मेरी दिक्कत है। होप सो किसी को दिक्कत नहीं होगा, सबके पास लैपटॉप तो होगा ही, ठीक है। चलो 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट बाद आप स्टार्ट कर दो, देन विल डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है। हाँ इसके सर, बाद हाँ जी बोलो आदेश, हाँ देश बोलो। फाउंडेशन का विधि करने क्या है, ओनली कॉलम बीम स्ट्रक्चर ओनली कॉलम बीम्स, में? ओनली कॉलम बीम्स, ठीक है। ओके फाउंडेशन आपकी मर्जी दिखाओ, हमें कॉलम बीम चाहिए बस, ठीक है। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, अब मैं लाइव ही रहूंगा। आपको कुछ भी दिक्कत आए एनी टाइम्स यू कैन आस्क, ठीक है। रिलेटेड टू सिस्टम कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आई एम विथ यू। चलो स्टार्ट करते हैं। 25 मिनट इसका है, 25 मिनट उसका है, 25 नंबर इसका है, 25 नंबर उसका है, टोटल 50 मिनट है अभिषेक। टोटल 50 मिनट्स यू हैव, 25 मिनट आर्किटेक्चर का, 25 मिनट स्ट्रक्चर्स का, 25 नंबर इसका, 25 नंबर उसका, ठीक है। मतलब 50 नंबर का है, और जो उससे कम टाइम में कर लेगा उसको एक्स्ट्रा नंबर्स मिलेंगे ड्यू टू देयर स्पीड। चलो लेट्स स्टार्ट।